हाई एवरी वन ओके सो इन दिसरसाइजी थ्री क्वेश्चन नंबर टू डिमल्स बाई गिवन मोनोमल्स आपको इन पॉलिनोमल्स को डिवाइड करना है जो एक मोनोमल गिवन है उसके साथ राइट सो लेट्स वाले में आपको क्या गिवेन है फाइव एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स डिड बाई थ्री एक्स पोलिनोमल है बाइनोमल है मतलब दो टर्म्स वाली टर्म है एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड करना है थ्री एक्स के साथ तो इसमें क्या करेंगे पहले हम जो पोलिनोमल है जो बायनोमेल या फिर जो भी होगा डिविडेंड होगा उसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या कॉमन आता है कि नहीं आता है वो चेक करना है राइट तो देखो फाइव एक्स स्क्वेयर और सिक्स एक्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स कॉमन ले सकते हैं राइट अगर मैं एक्स कॉमन लूंगी तो इसमें क्या बचेगा फाइव एक्स यहाँ पे दो है दो में से एक कॉमन लिया तो एक बच गया यहाँ पे माइनस सिक्स एक्स में से अगर मैंने एक्स को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे सिक्स बचेगा राइट right? अब ये बनेगा डिवाइडेड बाई थ्री एक्स राइट अब डिवाइड मीन्स इसको अपॉन में ले सकते हैं एक्स फाइव एक्स माइनस सिक्स को डिवाइड करना है थ्री एक्स मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स राइट तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा आपका फाइव एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री राइट आप देखो अपॉन थ्री को इस तरह से भी लिख सकते हैं आप वन अपॉइन्ट थ्री लिखो इसको अपॉन थ्री को वन अपॉइन्ट थ्री लिखो और ब्रैकेट में फाइव एक्स माइनस सिक्स लिखो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो राइट वन अपॉन्ट थ्री फाइव एक्स माइनस सिक्स ओके सो अब नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में देख लो इसमें भी देखो इसमें क्या कॉमन इसको फैक्टराइज करना है तो देखो कि इसमें क्या कॉमन है आपके पास देखो यहाँ पे वाई कितने वाई से आपके पास यहाँ पे चार है यहाँ पे छः है यहाँ पे आठ है तो सबसे मिनिमम कितना है फोर है रेस्ट पावर फोर इसका मतलब कितने वाई बाहर निकाल सकते हैं कॉमन आप चार वाई को बाहर कॉमन निकाल सकते हो तो यहाँ पे बचेगा थ्री वाई आठ में से चार को बाहर निकाल दिया तो चार बचेगा राइट right? माइनस फोर वाई छः में से अगर चार को बाहर निकाल दिया तो दो बजेगा राइट प्लस फाइव वाई चार में से वाई चार बाहर निकाल दिया तो फाइव एक बजेगा डिवाइडेड बाय वाई रेज टू पावर फोर ओके तो देखो वाई रेज टू पावर फोर मतलब वाई रेज टू पावर फोर मतलब वाई को चार बार डिवाइड करना है थ्री माइनस फोर वाई स्क्वेयर प्लस फाइव राइट अपन में लिख सकते हो वाई रेज टू पावर फोर ये वाई रेज टू फोर और वाई रेज टू फोर कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया थ्री वाई रेज टू पाव फोर माइनस फोर वाई स्क्वेयर प्लस फाइव दिस इज योर फाइनल आंसर राइट ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ओके नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड पार्ट चलो थर्ड में भी देखना है आपको क्या कॉमन क्या क्या कॉमन आ सकता है आपके पास राइट right? आप देखो इन सब में क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो आप एट को इस इसी तरह से लिखो पहले अभी फ़िलहाल सॉरी एट को हम एट को भी फैक्टराइज करते हैं एट को फैक्टर factor कर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा टू इंटू टू इंटू टू आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू राइट उसके बाद आप क्या कॉमन आ सकते है इसमें से एक्स 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 सबके पास है इसके पास दो है इसके पास दो है इसके पास, पास तीन है इसका मतलब कितने x बाहर ला सकते आप दो को बाहर ला सकते हो राइट इन टू वाई तीनों में है वाई भी कॉमन ला सकते हैं इसमें y दो है इसके पास तीन है इसके पास दो है तो इसका मतलब y स्क्वेयर बाहर ला सकते हो अब z भी सबके पास कॉमन है तो z स्क्र है स्क्यर है क्यूब है तो इसका मतलब z स्क्वायर को भी बाहर ला सकते हो राइट right? इन सारी चीज़ों को आपने कॉमन बाहर निकाल दिया अब इसमें से x स्क्र बाहर आ गया तो x एक x बचेगा y स्क्वायेर बाहर आ गया जेड स्क्वायर बाहर आ गया राइट प्लस इसमें से एक्स स्क्र बाहर चला गया वाई स्क्वायर चला गया तो एक वाई बच गया राइट जेड स्क्वायर बाहर चला गया प्लस इन तीनों में से एक्स स्क्र बाहर चला गया वाई स्क्र बाहर चला गया और जेड क्यूब है क्यूब में से जेड स्क्र बाहर चला गया तो एक जेड बच गया राइट डिवाइडेड बाय अब फोर को हम कैसे लिख सकते हैं टू इंटू टू लिख सकते हैं राइट इन एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र इंटू जेड स्क्वेयर राइट अब डिवाइड की फॉर्म में लाना है अपॉन की फॉर्म में लाना है एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय टू इंटू टू इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र इंटू जेड स्क्र राइट टू और टू कैंसिल टू और टू कैंसिल एक्स स्क्र एक्स स्क्र कैंसिल वाई स्क्र वाई स्क्र कैंसिल जेड स्क्यर जेड स्क्यर कैंसिल तो क्या क्या बच गया आपके पास यहाँ पे टू बच गया राइट right? और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड बच गया नीचे सारे कैंसिल हो गए सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन राइट सो दिस वॉज योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू ओके नेक्स्ट वी हैव इज फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखते हैं, वैसे ही करना है राइट अब देखो इसमें भी देखो कि क्या क्या कॉमन ला सकते हो बाहर एक्स सबके पास है इसका मतलब एक्स कॉमन ला सकते हैं राइट अगर एक एक्स बाहर चलाया गया तो एक्स स्क्वेर बचेगा राइट प्लस टू एक्स स्क्वेर है स्क्वेयर में से एक बाहर चला गया तो एक एक्स बच गया राइट प्लस थ्री एक्स में से एक्स को बाहर निकाल दिया तो थ्री बच गया डिवाइडेड बाई टू एक्स ओके तो एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स एक्स और एक्स कैंसिल राइट तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू अब इस अपॉन टू को हम किस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन टू लिख सकते हैं इसको राइट right? फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं राइट right? इसी तरीके से आप लास्ट पार्ट में भी कॉमन निकाल के फिर कैंसिल करके वो तक कर सकते हो राइट right? तो ये आप खुद ट्राई करना ओके सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर टू सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है आपका इसमें भी वर्क ऑन द फॉलोइंग डिवीजन आपको डिवाइड करना है राइट right? अब इसमें क्या है एक पॉलिनोमिल को एक मोनोमिल से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल क्या करना पड़ेगा इनमें क्या जो कॉमन है वो निकालना पड़ेगा राइट टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव राइट टेन एक्स और माइनस ट्वेंटी फाइव में हम क्या निकाल सकते हैं बाहर फाइव कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि टेन को हम किस तरह से लिख सकते हैं टेन को टू इंटू फाइव लिख सकते हैं और ट्वेंटी फाइव हम किस तरह से लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव लिख सकते हैं इसका मतलब दोनों में फाइव कॉमन है तो फाइव को कॉमन निकाल दिया राइट right? आप देखो इसको डिटेल में करना है तो इस तरह से कर लो टेन एक्स हम किस तरह से लिख सकते हैं टू इंटू फाइव इंटू एक्स राइट माइनस ट्वेंटी फाइव कॉम फाइव इंटू फाइव लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई फाइव राइट अब इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको फाइव कॉमन है फाइव को कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बच गया टू एक्स माइनस फाइव को कॉमन निकाल दे 5 5. तो फाइव बच गया डिवाइडेड बाय फाइव तो ये बनेगा टू एक्स माइनस फाइव यहाँ पे फाइव है डिवाइडेड बाय फाइव फाइव और फाइव कैंसिल तो आपका सोल्यूशन बच गया टू एक्स माइनस फाइव सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन राइट ओके नेक्स्ट है आपका थर्ड का सेकेंड पार्ट अब इसमें भी देखो क्या क्या कर सकते हैं हम कॉमन अब इसमें क्या है आपके पास क्या कॉमन आ रहा था अभी हमने किया था देखो टेन को हम किस तरह से सकते? 2 into 5 into x, right? 5 5 लिख सकते हैं टू इंटू फाइव इंटू एक्स राइट माइनस ट्वेंटी फाइव को फाइव इंटू फाइव लिख सकते हैं राइट डिवाइडेड बाय टू एक्स को टू इंटू एक्स लिखना पड़ेगा माइनस फाइव अब इसमें क्या कॉमन आ रहा था अभी फाइव कॉमन आ रहा था ये बचेगा टू इंटू एक्स माइनस फाइव

आप देखो इसमें क्या करना है टेन वाई टेन वाई मीन्स टेन को किस तरह से लिख सकते हैं टू इंटू फाइव वाई इस तरह से लिख सकते हैं राइट इन टू अब सिक्स वाई और ट्वेंटी वन को हम कैसे लिख सकते हैं सिक्स को टू इंटू थ्री लिख सकते हैं राइट इन टू वाई राइट प्लस ट्वेंटी वन को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री इंटू सेवन ओके डिवाइडेड बाई फाइव को वैसे लिखना है टू वाई प्लस सेवन ओके अब देखो टू इंटू फाइव वाई हो गया इन अब इसमें क्या कॉमन है थ्री कॉमन है तो थ्री को कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा टू वाई प्लस थ्री को कॉमन निकाल दो तो क्या आपके पास बचेगा सेवन डिवाइडेड बाय फाइव टू वाई प्लस सेवन राइट अब डिवाइड करना है फाइव इंटू फाइव वाई इंटू थ्री ब्रैकेट के अंदर टू वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाय फाइव ब्रैकेट के अंदर टू वाई प्लस सेवन ब्रैकेट के अंदर टू वाई प्लस सेवन टू वाई प्लस सेवन दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया फाइव और फाइव कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपके पास फाइव वाई इंटू थ्री नीचे सारे कैंसिल हो गए तो ये बनेगा आपका फिफ्टीन वाई ये सोल्यूशन बनेगा फिफ्टीन वाई

राइट right, तो आपके पास बचेगा फाइव कैंसिल हो गया आपके पास बचा टू इंटू वाई इंटू थ्री तो ये आपका आंसर आएगा टू थ्री से सिक्स वाई राइट आपका आंसर आ गया सिक्स वाई राइट ओके इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में भी इस, इसी तरह से आपको करना है नाइन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं नाइन को राइट right? इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वेयर अब इन दोनों में क्या कॉमन ला सकते हैं हम थ्री कॉमन निकाल सकते हैं राइट right? अगर मैंने थ्री को कॉमन निकाला तो बचा z माइनस अब ट्वेंटी फोर किस तरह से आएगा ट्वेंटी फोर मीन्स थ्री एट या ट्वेंटी फोर थ्री को बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बचा एट बच गया राइट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 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 से नाइन नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन राइट एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर जेड माइनस एट राइट आप सिंपली डिवाइड करो थ्री इंटू थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर मीन्स एक्स इंटू एक्स वाई स्क्र मीन्स वाई इंटू वाई इंटू थ्री ब्रैकेट में जेड माइनस एट इसको डिवाइड करना है किसके साथ थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री टू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में z माइनस एट ब्रैकेट के अंदर z माइनस 8 जेड माइनस एड दोनों कैंसिल इसके बाद ये थ्री ये थ्री कैंसिल ये थ्री ये थ्री कैंसिल राइट अब एक थ्री यहाँ पे और एक थ्री यहाँ पे ये भी कैंसिल उसके बाद x और x कैंसिल y और y कैंसिल तो आपके पास यहाँ पे नीचे सारे कैंसिल हो गए ऊपर बच गया x और यहाँ पे एक y बच गया तो आपका सोल्यूशन होगा x इन वाई दैट इज एक्स वाई राइट ओके अब इसी का लास्ट पार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट इसमें भी इसी तरह से आपको कॉमन निकाल के फिर देखना है राइट right? आप देखो नाइन्टी सिक्स ए बी सी ए बी सी ब्रैकेट आप देखो नाइन्टी सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं नाइन्टी सिक्स को जब हम फैक्टराइज़ करते हैं तो बनेगा टू फोर जै एट टू एट सिक्सटीन two टू the four, टू four the eight, टू twelve the twenty four, two six the twelve, two, two, two three the six, three one the three. इसका मतलब आपका नाइन्टी सिक्स को आप लिख सकते हो टू इंटू टू एक दो तीन चार पाँच टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री राइट ए इंटू बी इंटू सी ओके अब थ्री ए माइनस ट्वेल्व है इसमें क्या कॉमन है इसमें आप थ्री को कॉमन ले सकते हैं तो आपका बचेगा ए माइनस फोर थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व उसके बाद यहाँ पे फाइव बी माइनस थर्टी है और इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप फाइव को कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा बी माइनस सिक्स राइट डिवाइडेड बाय अब इसका वन फोर्टी फोर है वन फोर्टी फोर को हम कैसे लिख सकते हैं इसका फैक्टराइज करो टू सेवन ज फोर्टीन टू टू ज फोर टू थ्री जो सिक्स टू सिक्स ट्वेल्व टू वन जा टू टू एट जिक्सटीन टू नाइन जा एटीन थ्री थ्री जा नाइन तो ये बनेगा आपका टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू एन थ्री इंटू थ्री राइट अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है ए माइनस बी माइनस सिक्स ए माइनस फोर है आपका ए माइनस फोर उसके बाद है बी माइनस सिक्स राइट अब जो जो कैंसिल हो रहा है देखो ए माइनस फोर कैंसिल ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स कैंसिल राइट अब यहाँ पे देखो टू और टू कैंसिल टू और टू कैंसिल टू और टू कैंसिल टू और टू कैंसिल थ्री थ्री कैंसिल कहीं पे थ्री है यहाँ पे एक थ्री है एक थ्री एक थ्री कैंसिल नीचे सारे कैंसिल हो गए ऊपर जो जो बचता है वो देखो एक टू बचता है राइट और ए बी सी बच गया ए इंटू बी इंटू सी राइट और एक यहाँ पे फाइव बच गया फाइव राइट right? जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा टू फाइव से टेन ए बी सी सो दिस इज़ योर फाइनल सोल्यूशन टेन ए बी सी इज़ योर फाइनल सोल्यूशन राइट सो ये था आपका फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री राइट ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज इलेवन सो फोर्टीन पॉइंट थ्री इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर टू और थ्री की अगर इसमें कोई डाउट है तो आप फोन करके पूछ लेना थैंक यू बाय